हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अभी तक 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो बच्चों, मैं आज क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू कर रहा हूं। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों, क्वेश्चन 14 इज लेट कैपिटल एस बी द सम एंड कैपिटल पी बी द प्रोडक्ट एंड कैपिटल आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n terms of GP, n terms of GP, prove that P square multiply R raised to power m is equal to S raised to power m. This question is very very important. So given that S is the sum of n terms of GP, P is the product of n terms of GP, and capital R is the sum of reciprocals of n terms of GP. So S is what? Sum of n terms of GP. First term plus second term plus third term, so on up to TN. Bacho, this is A, this is AR, this is AR square, and this is AR raised to power n minus 1. तो S क्या है? Sum of n terms of GP. इसका sum कैसे निकालते हैं? A into 1 minus R n over 1 minus R. वो जो ये formula कब लगता है? Normally हमने कहा था कोई भी formula ला लो, लेकिन अगर R less than 1 हो तो आप sum का formula ये लिखते हो, ठीक है बच्चों? अगर R 1 से छोटा है, sum of n terms is a into 1 minus r cube over 1 minus r. अगर common ratio 1 से बड़ी है तो आप sum के लिए ये formula use करते हो। हालांकि ये same है, लेकिन conventionally अगर r की value 1 से बड़ी है तो sum के लिए ये formula, अगर ratio की value 1 से छोटी है तो ये वाला formula। अगर आप ये formula लगा रहे हो, आप मान के चल रहे हो कि common ratio 1 से छोटा है, क्योंकि हमें टर्म्स गिवन नहीं है। तो बच्चों, एस की वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन में प्रूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड में एस की पावर एन, तो मैंने एस की पावर एन को स्टोर कर लेना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो एस की पावर एन इक्वल ए की पावर एन हो जाएगी और इसकी पावर भी एन हो जाएगी और इसकी पावर भी एन हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए इसको स्टोर कर लो बच्चों, स्टोर कर लो। अगेन व्हाट इज गिवन? पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, टी वन मल्टीप्लाई टी टू मल्टीप्लाई टी थ्री सो ऑन अप टू टी एन। तो बच्चों, पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। टी वन इज फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, टी टू इज सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म ए आर स्केयर होती है और दिस इज ए आर एस टू पावर एन माइनस वन। तो बच्चों, ए को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? ए सभी के पास है तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। अगर ए दो बार मल्टीप्लाई होता है आप उसको ए की पावर टू लिखते हो, अगर ए तीन बार मल्टीप्लाई हो तो ए की पावर थ्री आएगा, तो ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की पावर एन। आर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर वन, इसकी पावर टू, आगे थ्री आएगी, सो ऑन अप टू एन माइनस वन। क्लियर है बच्चों? तो पी कितना आ गया? ए की पावर एन आर। तो ये क्या है? एपी की एन टर्म्स का सम है। तो ये एपी की एन एन माइनस वन टर्म्स का सम है। इनफैक्ट क्योंकि एन माइनस वन तक चल रहे, ये एपी क्यों है? क्योंकि डिफरेंस सेम है। फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला क्या होता है? अगर एन टर्म्स हो तो फिर फॉर्मूला होता है एन बाई टू
first term plus last term. तो sum of n terms of AP ये formula होता है. लेकिन यहाँ पे terms कितनी है? n minus 1 term. तो n की जगह पे कितना आएगा? R की power में formula लग जाएगा n by 2. n की जगह पे number of terms. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो number of terms n minus 1 है. bracket में first term A, A is the first term. वो कितनी है? 1. last term n minus 1. तो P कितना बन जाएगा? A की power n, R की power n minus 1 by 2. बच्चों ये 1 से 1 कट गया है, तो ये power क्या बन जाएगी? कुछ ऐसा बन जाएगा. ये power है, ये भी power है. powers आपस में multiply हो रही है. हमें P square चाहिए, तो ये भी रख लो, इसको भी store कर लो, square करोगे, तो इसका भी square होगा. ऐसे, तो अगर इसका भी square होगा, n को मैंने आगे लिख लिया, इसका भी स्क्वायर होगा. बच्चों ये भी पावर है, ये भी पावर है. तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है. अगर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो देखिए, तो पी स्क्वायर कितना बन जाएगा? ए की पावर 2n, n इंटू ये 2n बन गया. और ये जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर क्या बन जाएगी? n इंटू n माइनस 1. तो इसको भी स्टोर करो. तो we have sum of n terms of GP. ये हमने suppose कर लिया, common ratio 1 से छोटा है, तभी तो ये formula है. तो s की power n चाहिए, इसकी भी power n, इसकी whole power n, इसकी power n, इसको store करो. P क्या है? product of n terms of GP. तो A, AR, basically the same powers are ready. A की power n, यहाँ पे AP की n minus 1 terms का sum, number of terms by 2, first term plus last term, ये बन गया. हमें P स्क्वायर चाहिए, तो हमने स्केयरिंग कर दी, तो ए एन की भी स्केयर और इसकी भी पावर 2. तो पावर्स आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई की तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो बच्चों नेक्स्ट वही है, हमें एक ये चाहिए, एक हमें बच्चों ये चाहिए, इसको स्टोर रखेंगे. फिर उसके बाद हमें R चाहिए. कैपिटल R क्या दे रखा है? कैपिटल R इज गिवन टू बी, कैपिटल R is again it is sum of reciprocals. तो बच्चों sum of reciprocals of ऐसे T1, sum of reciprocal of n terms of GP. तो बच्चों first term is A, second term is AR, third term is AR square. This is, तो बच्चों क्या ये जीपी बन रही है? अभी चेक कर लेते हैं. अगर इनकी रेशो सेम होगी तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो रेशो आ गई 1/r. तो थर्ड टर्म को आपने सेकंड टर्म से डिवाइड किया तो कुछ ऐसा बन जाएगा. तो बच्चों दोनों केस में रेशो सेम आ रही है 1/r. तो रेशो अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब इट इज अगेन अ जीपी, इट इज अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, विथ फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? 1/a. एंड कॉमन रेशो कितनी है? 1/r. तो ये n टर्म्स का, ये जीपी की n टर्म्स का सम है. तो यहां भी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालेंगे. कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले ये लगा के आए जिसमें r लेस देन 1 है. अगर बच्चों r less than 1 है तो 1 से कोई भी छोटी वैल्यू बोलो 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना है? 1/r 2. तो अगर आप 1 से छोटा नंबर लेते हो तो 1/r जो होगा इस केस में 2 बन गया, वो 1 से बड़ा हो जाएगा. तो कॉमन रेशो 1 से बड़ी होगी. अगर आपने स्टार्टिंग में बोला कि r 1 से छोटा है तो इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा 1/r 1 से बड़ा है. अगर कॉमन रेशो 1 से छोटी है, सपोज ये है, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, वो 1 से बड़ा होगा. तो इसलिए यहां पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? r इज सम ऑफ, हमने s भी लिख दिया, हम s फिर से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं. तो r कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, r की वैल्यू कितनी बन जाएगी? फर्स्ट टर्म क्या है फॉर्मूला? हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं सम का, a इंटू
वैसे तो बात सेम है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि जो r है वन से छोटा है, तो वन ओवर r वन से बड़ा हो गया, इसलिए सम का ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन फर्स्ट टर्म की जगह पे कौन आएगा? वन ओवर ए। रेशो की जगह पे कौन आएगा? r की जगह पे वन ओवर r। नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, ओवर r माइनस वन, बच्चों ये बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट कैपिटल r, कैपिटल r। हमें पी स्क्वायर चाहिए था, वो निकाल लिया। हमें कैपिटल r की, कैपिटल r की पावर n चाहिए ना बच्चों, तो कैपिटल r की वैल्यू के लिए लिखी हुई है हमने, देखिए कैपिटल r कितना बन गया हमारे पास, कैपिटल r ये बन गया 1 ओवर a, 1 की पावर n 1 ही रहेगी, r की पावर n 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो वो 1 ही रहती है। तो यहाँ पे LCM लिया कुछ कैसा हो गया, क्लियर बच्चों सबको? तो क्या बन गया कैपिटल r, 1 ओवर a, ऐसे LCM ले लिया। LCM लेने के बाद कुछ ऐसा हो गया, तो ये क्या है कैपिटल r, तो इसकी पावर तो n भी चाहिए, तो 1 की पावर n, 1 a की पावर n, इसकी पावर भी n, r की पावर n, फिर पावर n, ये वाले r की पावर n और 1 माइनस r होल रेस टू पावर n। तो बच्चों कैपिटल r मिल गया, हमें कैपिटल r की पावर n चाहिए, रेजिंग पावर n, इसकी पावर n, इसकी पावर n, 1 की पावर n, 1 ही होगा, तो इसकी भी होल पावर n, इसकी भी पावर n, इसकी पावर n और इसकी पावर n। देखिए हमने गलती से s इरेज कर दिया, मैं फिर से निकाल रहा हूँ, कोई बात नहीं। हमें क्योंकि एक r की पावर n चाहिए, एक हमें p स्क्वायर चाहिए और एक हमें s चाहिए। s क्या था? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ gp, याद करो वो सीधे लिख देता हूँ, ये आया था ना बच्चों, ये था, हमने ये निकाला था, हमें s की पावर n चाहिए थी, s की पावर n, तो देखिए a की पावर n, 1 माइनस r की n रेस्ट पावर n, इसकी पावर n। तो हमने जो जो चाहिए वो निकाल लिया, अब सिंपली पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखेंगे क्या राइट हैंड साइड बन रही है। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज p स्क्वायर, क्वेश्चन इज इनफैक्ट लेंथी बट इजी है, क्वेश्चन समझ आ जाते हैं बड़े आराम से, समझो बच्चों p स्क्वायर की वैल्यू है, पुट कर दो, a की पावर 2n, r की पावर n, n माइनस 1, ये p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, इसके साथ r की पावर n ये रही, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये देखो 1 ओवर a की पावर n, 1 माइनस r की n होल रेज टू पावर n, फिर r की पावर n, नीचे क्या है, नीचे r की पावर n, फिर पावर n, 1 माइनस r की पावर n। तो देखिए बच्चों हमने प्रूव करना है ये s के, s की पावर n की इक्वल है, हमने यहां तक पहुंचना है आंसर में, तो देखते हैं चलो कैसे पहुंचेंगे। देखिए तो वही है, देखो बच्चों ये a की पावर 2n है, ये a की पावर n है, बेसिस आर सेम, अगर तो डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, तो 2n माइनस n, 1n रह जाएगा, ये a का काम हो गया, a ये देखो इकट्ठा कर दिया, ये r की पावर, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है बच्चों। तो मेरे को एक चीज बताइए क्या बचा यहाँ पे, ये बचा r की पावर n है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिटिव, ये r की पावर है इसके साथ चल गई, a भी इकट्ठा हो गया, तो क्या बचा, एक ये टर्म बची, 1 माइनस r की n होल पावर n ओवर, ये तो बच्चों a के साथ चल गया, ये बचा ना r की पावर n स्क्वायर हो गया, और एक ये बचा 1 माइनस r की होल पावर n। तो देखिए ये n से n कट गया, तो बच्चों क्या बचा, a की पावर n, r की पावर n स्क्वायर, 1 माइनस r की n होल पावर n, r की पावर n स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों भी कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, a की पावर n, 1 माइनस r की पावर n की होल पावर n, 1 माइनस r की होल पावर n, इट इज नथिंग बट s की पावर n,
इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे, मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, लेकिन जब आप करोगे मैक्सिमम 5 मिनट, 4 से ज्यादा लगेंगे बहुत अगर आराम से भी करोगे तो। जस्ट प्रैक्टिस है बच्चों आपकी। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, the pith qth and arth, the pith qth and arth terms of an ap, ye ap ka question aa gaya, are small a, b and c respectively, pith qth and arth term of ap are given, show that, prove that, dekhiye jo q minus r into small a plus R minus P into small b plus P minus Q into small c equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। तो ये बोनस का क्वेश्चन है, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। Pth term of AP is small a। तो बच्चों फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a नहीं मान सकते क्योंकि स्मॉल a नजर आ रही है। तो कोई भी टर्म AP की जनरल टर्म से निकालते हैं, nth टर्म से। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मानना है, हम बता चुके आगे भी स्मॉल ए तो हमें यहाँ पे पीएथ टर्म है, तो एन की जगह पे पी पुट कर देंगे। अब हमें काफी ये चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये पीएथ टर्म आ गई, क्यूथ टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी एंड आरथ टर्म इज सी, दैट इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी सी। तो बच्चों ये सेव कर लो, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, q माइनस r इनटू स्मॉल a, स्मॉल a की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस p माइनस 1 इनटू d, फाइन, प्लस r माइनस p, हम स्मॉल b की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है, a प्लस q माइनस 1 इनटू d प्लस p माइनस q इनटू स्मॉल c। तो स्मॉल c की वैल्यू कितनी है, a प्लस R minus 1 into D। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट चेक करते हैं, इट इक्वल्स टू, मतलब कैपिटल A को मैंने पहले Q minus R से मल्टीप्लाई किया, फिर कैपिटल A को मैंने R minus P से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने कैपिटल A को P minus Q से मल्टीप्लाई किया और सब में से कैपिटल A कॉमन ले लिया। मतलब Q minus R into A प्लस कैपिटल ए वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली ब्रैकेट को ओपन करके, समझ सकते हो ना आप लोग। फिर क्यू माइनस आर ने ये टर्म से मल्टीप्लाई होना है, देखिए क्यू माइनस आर ने इस टर्म से मल्टीप्लाई होना है, प्लस फिर आर माइनस पी ने इस टर्म से मल्टीप्लाई होना है, प्लस पी माइनस क्यू ने आर माइनस वन से मल्टीप्लाई होना है। और आप सोच रहे हो डी कहा गया, और सब में डी मैंने कॉमन ले लिया, देखिए q माइनस आर इंटू पी माइनस वन, साथ में d भी है, इसके साथ भी d है, सबके साथ d था, तो d कॉमन ले लिया। आप एक स्टेप बचा सकते हो। तो हमें प्रूव करने हैं कि इसका आंसर जीरो आ रहा है, तो बच्चों आना चाहिए, जरूर आएगा। तो देखिए ये माइनस आर से प्लस आर कट गया, माइनस पी से पी, ये q से माइनस क्यू, तो जीरो इंटू ए प्लस, अब ब्रैकेट को ओपन करिए, पी इंटू क्यू माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर प्लस आर क्यू, सिंपली ब्रैकेट को ओपन करिए, माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, देखिए बच्चों प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, और सबके बाहर डी है। तो जैसे ये जीरो बना, तो ये जीरो बन रहा है, पी क्यू से माइनस पी क्यू कट गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, ये माइनस पी आर से प्लस पी आर कट गया, प्लस आर से माइनस आर कट गया, आर क्यू से माइनस क्यू आर, ये पी से पी कट गया। तो बच्चों जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू डी, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, इट इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। काफी इजी क्वेश्चन था, ये आपका बोनस वाला समय है।
क्योंकि मिसलेनियस में नॉर्मली आपने देखा सभी क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हैं बट इजी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हैं, वो हमारे बोनस क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, देखिए मित्रों, गिवन दैट ए इंटू वन ओवर बी, इफ ए इंटू वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी कोमा बी इंटू वन ओवर सी प्लस वन ओवर ए कोमा सी इंटू वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी, तो गिवन दैट दीज आर इन ए पी, प्रूव दैट, ए बी सी आर इन ए पी, एपी। तो बच्चों गिवन है ये तीन नंबर्स एपी में है, तो अगर तीन नंबर एपी में है ये बने, इट मींस दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो तीन नंबर एपी में कब होते हैं, जब सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट के साथ बराबर होता है, थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकंड टर्म के साथ। सिंपली आपने इनको सॉल्व करना है, देखिए बी को अंदर ले जाइए, ठीक है बच्चों, बी चलो ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा एलसीएम इज बी सी, ये बन जाएगा, फिर एलसीएम ले लिया, यहां भी एलसीएम ले लिया। तो बच्चों देखिए इट गिव्स दैट, अब बी को अंदर ले जाइए, ए बी प्लस बी सी, बी को अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए बी इंटू ए, बी ए या ए बी ए की बात है, बी इंटू सी बी सी ओवर ए सी, फिर ए को अंदर ले जाइए, ठीक है बच्चों, माइनस ए को अंदर ले जाइए, ए सी प्लस ए बी, ये देखो ऐसे बन, समझ आ गया सबको, तो ए को अंदर ले गया, माइनस बाहर ही है, ए सी प्लस ए बी, ऐसे ही इधर सी को अंदर ले लीजिए, सी बी जब बी सी ए की बात है, ये ए सी है, ए बी, बी को अंदर ले लीजिए, देखो बच्चों क्या आया, बी ए या ए बी ए की बात है, बी सी ओवर ए सी, ये बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करना है ए बी सी आर इन ए पी। तो देखिए यहां पे पहुंच रहा है, आपको अब एलसीएम लेना है होल, यहां पे एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया, देखिए ए बी और सी, सी दोनों के पास है, तो एलसीएम ए बी सी आ गया, तो एलसीएम लिया, तो यहां पे कटिंग की बी, बी इससे मल्टीप्लाई हो गया, जब बी इससे मल्टीप्लाई हुआ बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, क्लियर, माइनस, अब बी सी कैंसिल हो गया, ए यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, साथ में आपने माइनस को ओपन कर दिया है, क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, ये बन जाएगा, इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम सेम ए बी सी आ गया, ए बी सी, फिर बच्चों सी से मल्टीप्लाई हुआ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर यहां पे बी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस खोल देंगे, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ये बन जाएगा, क्लियर है सबको, तो देखिए बच्चों ये ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, फिर से देखिए ये आपके पास क्या था, सी इंटू, हाँ जी, तो ये आपके पास ए बी सी है, बी सी ए सी ए बी बी सी, तो ये ब्रैकेट को ओपन किया तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है बच्चों, तो वी है ए बी स्क्वायर, ये कोई टर्म देखिए एक सेकेंड, ये ए बी है, ये ए सी, ए बी है, बी सी नहीं होना चाहिए, बी सी ए सी, सी ए बी सी, ठीक है बच्चों, तो देखिए तो ये कितना बन गया, ये बी स्क्वायर सी आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, जब एलसीएम लिया तो बी ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी स्क्वायर सी बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर सी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए,
we have left with AB square plus BC square, B square C, ये बच्चों टर्म्स बची, इधर ये टर्म्स बची, तो देखिए बच्चों इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें और इसमें देखिए AB square और A square B में AB कॉमन आ गया, इन दोनों टर्म्स में A into B कॉमन आ गया, तो बचा गया B minus A, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहे हैं, C कॉमन आ रहे हैं, तो क्या बचा B square minus A square, in the same way इन दोनों टर्म्स में B और C कॉमन आ रहे हैं, तो C minus B बचा, इन दोनों टर्म्स में आप A कॉमन लोगे तो C square minus B square आ जाएगा, तो देखिए बच्चों we have A B B minus A, तो ये formula है A square minus B square का, in the same way ये फॉर्मूला है फिर a माइनस b, ये भी रेडंडी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अब इन दोनों में आप b माइनस a कॉमन ले सकते हो, वी हैव यहां पे a भी बचा, आपने b माइनस a कॉमन लिया a भी बचा, ये बच्चों b माइनस a बाहर चल गया, ये c इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया cb प्लस ca, b माइनस a बाहर, ये c को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन द सेम अब इन दोनों में से c माइनस b कॉमन ले लिया, ये bc बचा, ये बाहर चल गया, तो ये a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया, तो बच्चों ये ab bc और ca दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो वी हैव लेफ्ट विद b माइनस a इक्वल टू c माइनस b, देयरफॉर वी कैन से दैट ab c आर इन ap, तो तीन नंबर्स ap में कब होते हैं, जब उनका डिफरेंस सेम होता है, अगर मैंने प्रूफ करना है कि ABC AP में है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? B minus A equal to C minus B. मैंने प्रूफ कर दिया, तो मेरे को कहना पड़ेगा कि ABC और AP. तो बच्चों आज अपने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस के बच्चों ये कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किए हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.